बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। कुक विद परी के साथ आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेकर के आई हूँ। और ये है हमारा बनाना आइसक्रीम। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैं आपको नोट डाउन करवाती हूँ। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम ये बहुत ही, ये सिर्फ चार इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके साथ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनाना आइसक्रीम तैयार होगी। तो इसके लिए हमने लिया है 300 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क। ये मेरा होममेड है, मैंने खुद तैयार किया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके कह सकते हैं और मैं आपको इसकी रेसिपी बता दूंगी। इसके साथ मैंने दो पैकेट करीम, यानी कि ये 200 ml के हैं और ये टोटल मिला के 4 ml हो गए। 6 मैंने बड़े साइज़ के बनानास लिए थे जिनको मैंने कट करके इनको तकरीबन मैंने 2 घंटे के लिए फ्रीज कर लिया था। तो बिस्मिल्ला करके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, तो सबसे पहले हमें क्या करने हैं, अपने ये जो बनानास हैं इनको हमने चॉपराइज्ड करना है। इनको हमने बहुत अच्छे से हम इनको चॉपराइज करेंगे। बिस्मिल्लाह। देखें, बनानास हमारे बहुत अच्छे से चॉप हो गए, इनके अंदर कोई किसी किस्म का चंक्स वगैरह नहीं है। तो इसको हम अपने बाउल में निकालते हैं और अगला स्टेप आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो 200 ml के दो पैकेट्स, हमने 200 ml के पैकेट्स लिए हैं क्रीम के। ये टोटल मिला के हमारी 400 ml क्रीम है। इसको हमने बहुत अच्छे से बीट करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके बीट करते हैं और बीट हमने अपनी हाई स्पीड से इसको करना है। जी तो फ्रेंड्स, हमारी क्रीम जो है हमारी बहुत अच्छे से हमने बीट कर ली है। कंडेंस्ड मिल्क जो है ये हमारा, अगर हम कप में मेजरिंग करें तो 1 कप है और ये 300 ग्राम हमारा ये कंडेंस्ड मिल्क है। बिस्मिल्लाह, सारा हम डाल देंगे और इसको हम हाई स्पीड पे 1 मिनट के लिए इसको हम बीट करेंगे। जी तो कंडेंस्ड मिल्क को हमने 1 मिनट के लिए बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डालते हैं जो हमने अपना बनाना जो है उसको बीट किया था, ये हम सारा डालेंगे। और इसके साथ फ्रेंड्स, अगर आपने इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर डालना है तो आप डाल सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल बाजार का कलर होता है, लेकिन मुझे वो कलर पसंद नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें वेनीला एसेंस जो है वो डालूंगी। बस ये इतना सा ही, तकरीबन ये 1/4 teaspoon मैंने डाला है। इसको हम 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। ये तो फ्रेंड्स, बस हमने 1 मिनट के लिए ही इसको बहुत हल्के हाथों से बीट करना था, वो मैंने कर लिया है। अब हम लेंगे एक कंटेनर जो कि इस तरह का होना चाहिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह के कंटेनर में भी आप इसको डाल सकती हैं। और अगर आपके पास इस तरह का बॉक्स है, यानी कि आइसक्रीम बॉक्स, तो आप इसके अंदर भी इसको डाल सकती हैं। तो मैं डालूंगी अपने आइसक्रीम बॉक्स के अंदर इसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
सारा बहुत अच्छे से स्पैचुला की मदद से ये सारा आप निकाल दें, इसमें डाल दें। और बहुत हल्के हाथों से इसको आपने टैप करना है, बहुत हल्के हाथों से इस तरह आपने टैप कर लिया। इसके ऊपर आप बटर पेपर हो जाए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक रैप हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना बने। तो मेरे पास ये बटर पेपर है, ये मैं इस तरह यहाँ पे लगा दूँगी बहुत अच्छे से और इसको हम बंद कर देंगे ज़रा टाइट तरीके से। हमने इसको बंद करना है ताकि कहीं से भी इसके अंदर एयर ना जाए। और इसको हमने एक रात के लिए रखना है अपने फ्रीज़र के अंदर, ओवरनाइट रखेंगे और सुबह इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बनाना आइसक्रीम जो है वो बहुत ही मज़े की बना ली है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ओवरनाइट के लिए मैंने ये फ्रीज़र में रखी थी, इसका लिड ज़रा मैंने बहुत टाइट करके आपके सामने बंद किया था। मैं उतार रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये जमी है आइसक्रीम हमारी। इसको हम क्यूब्स में निकाल के आपको दिखाते हैं। ये हम निकाल रहे हैं, आइसक्रीम हमारी माशाल्लाह से बहुत हार्ड जमी है और बड़ी टेस्टी है, तो ये ऐसे ही निकलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो फ्रेंड्स, हमारी बनाना आइसक्रीम जो है वो बहुत मज़े की बनी है, बहुत डिलीशियस बनी है। आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स देने हैं। हमारे चैनल कुक विद फरीज को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारी हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा। आप इंजॉय करें अपने मेहमानों के साथ। अगर आप यही आइसक्रीम ज़्यादा करना चाहती हैं तो इसकी जो क्वांटिटी, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो आप डबल कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसको खा के इसका टेस्ट आपको बताते हैं कि ये हमारी बनाना आइसक्रीम कैसी बनी है। व्यूअर्स, बहुत मज़े की डिलीशियस हमारी बनाना आइसक्रीम जो है वो तैयार हुई है। इंजॉय करें। मैं भी आप भी एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह से ताला। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।